हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक पर्टिकुलर मार्केट में क्रैश हुआ है। ओके, वो क्रैश कब तक चल सकता है? ऑलरेडी एक बार वीडियो बनाई थी, बताया था कि अगर इस लेवल से क्रॉस करता है तो और उस लेवल तक वो पहुंचना ही है। बट उसमें आपको घबराने की बात नहीं है, उस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि उसमें आपको घबराने की बात नहीं है, बल्कि एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े तो सबसे पहले तो आई थिंक मेरी आवाज़ है आपको सही से नहीं लगती, आपको लगता है कि सही से आवाज़ नहीं आ रही है। तो अगर किस इस तरीके की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उसे रेक्टिफाई कर सकूँ। अदरवाइज़ या फिर मैं कुछ माइक वगैरह मुझे चेंज करना है तो मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ, तो मैं उसे करने की कोशिश करूँगा। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो ला सकूँ, और हमारे इस बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके की अपडेट मिल सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, एक आपका अगर ट्रेडिंग या फिर डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं, और यहाँ पर नीचे एक और लिंक है श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें और एक पुण्य काम में मदद करे और एक मंदिर बनाने में मदद करे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर निफ्टी 50 दोबारा लेके आना चाहता हूँ। कल के दिन में वीडियो बनाई थी और बताया था ओके कि मार्केट क्यों गिरी है। तो मार्केट के गिरने के पीछे सिंपल से दो तीन रीज़न ही है। एक रीज़न सिंपल मैं आपको बता चुका हूँ कि कोविड का केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा रीज़न यही है कि FIIs जो फॉरेन इन्वेस्टर है बहुत अच्छे खासे लेवल पे पैसे मार्केट में निकाल रहे हैं। बट मार्केट की अगर चाल देखोगे तो अच्छी खासी है, मार्केट को हमेशा ऊपर ही जाना है, इस चीज़ का याद रखना। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दो तरीके के लोग होते हैं, या तो इसे देखते हैं कि मार्केट गिर रही है तो वो एग्जिट कर लेते हैं, और एग्जिट करके वो अपने ही नुकसान करते हैं। ओके, और इन्वेस्टर को ही इसी टाइम पता चलता है कि इन्वेस्टर कितना पेशेंस वाला है, कितना पेशेंसफुल है, कितना वो इसमें पेशेंट रख सकता है किसी भी शेयर को खरीदने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे ना तो देखिए सारे ही शेयर गिरे हुए, अच्छे से अच्छे। अगर ये बेस्ट निफ्टी 50 के सबसे अच्छे शेयर है, अगर यही गिरे हुए हैं, क्योंकि और यही इन्हें आगे भी बढ़ना है। आपको बताना चाहता हूँ, अगर गिरे हैं तो आगे भी बढ़ेंगे, उठेंगे भी ये शेयर, और जब ये खड़े होंगे तो ये इस तरीके से खड़े होंगे कि ये आपको अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न बना के देंगे। और इन कंपनियों के बिना आप इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के शेयर मार्केट की तरक्की, इसके बारे में नहीं सोच सकते। ओके, ये बेस्ट कंपनीज हैं इंडिया की। अगर निफ्टी 50 जिसे कहते हैं, 50 बेस्ट कंपनी यही है, और यही गिरी हुई है तो मतलब मार्केट ही गिरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल पांच कंपनी है जो आपको ग्रीन में दिख रही है, बाकी सारी की सारी कंपनी आपको यहाँ पर रेड में ही दिख रही है। और कौन से शेयर खरीदना है, ओके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लेवल भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ऑलरेडी गिर चुकी है काफ़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा, ये है निफ्टी 50। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी जब मार्केट देखी यहाँ पर था। ओके, तो मैंने बताया था अगर यहाँ से रिकव हुआ तो अच्छा खासा रिकवर हो जाएगा, अगर गिरेगा तो मार्केट और गिरेगा। तो एक लेवल तो देखिए यही है जो 15,525 का है, जो कि लास्ट टाइम इसने तोड़ा नहीं था तो ऊपर की तरफ आ गया, तो थोड़ा बहुत भाग गया था, 14,800 14,900 तक चला गया था। इसके बाद दोबारा मार्केट में गिरावट हुई, 2 दिन से हम अच्छी खासी गिरावट देख रहे हैं, अच्छे खासे करेक्शन देख रहे हैं। कल भी हमने 1.79% के आसपास देखा था, और आज के दिन भी हमने अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर मार्केट में देखी है 1% से ज़्यादा। तो देखिए, और उसने ये लेवल क्रॉस कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेवल इसने क्रॉस कर दिया है 14,500 का। तो अब जो ये यहाँ पर से गिर चुका है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पर और डिफेंसिव, या तो डिफेंसिव स्टॉक को चुनो वरना मार्केट देखिए यहाँ इस लेवल पर आने वाली है। ये इसका दूसरा लेवल है, क्या लेवल है, तो ये लेवल है 13,600 का। तो 13,600 का लेवल ये इसके बाद हमें नज़र आता है। इस अगर मार्केट को लौट, अगर अच्छा खासा FIIs ने पैसा डाला ओके, तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, वरना मार्केट 13,600 आनी ही आनी है। और अगर ये आती है फिर उसके बाद सोचना कि मार्केट जिस तरीके से बाउंस बैक करेगी ना, जिस तरीके से मार्केट जाएगी तो इस लेवल को फिर अगेन तोड़ेगी, और एक बार इस लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट को ऊपर जाना है, और अच्छे खासे लेवल पर जाना है, छोटे मोटे लेवल पर नहीं जाना है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कंडीशन में आपके पास जो भी बेकार स्टॉक है उन्हें बेच दीजिए,
उन्हें अपने पोर्टफोलियो में जगह मत दीजिए, क्योंकि वो अभी भी पहले भी रिकवर नहीं हुए थे, वो अभी भी रिकवर नहीं होंगे, ओके। और अच्छे जो शेयर है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ देख लीजिए, बैंक्स के स्टॉक्स बताए थे आपको, 6-7 बैंक के स्टॉक्स बताए थे, उन पर नज़र रखिए, अच्छे खासे रिटर्न देंगे। एज वेल एज़ बात करूँ तो देखिए, 10 स्टॉक्स बताए थे मैंने, ये सारे के सारे IT कंपनी से रिलेटेड थे, तो उन्हें आप देख लीजिए, उन्हें बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिल रहा है, तो उन्हें खरीद लीजिए। रिजल्ट आने वाला है, ओके, रिजल्ट आना शुरू हो गए अप्रैल में, और जैसे ही रिजल्ट आएंगे तो असेंचर के नंबर अच्छे आए हैं, ये सारी जितने भी कंपनी है आपको अच्छे खासे रिटर्न देती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट में अगर दो तरीके के लोग होते हैं, या तो बेच के निकल जाते हैं और सोचते हैं कि हमें लॉस हो रहा है, और दूसरा सोचते हैं कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पर नहीं खरीद पाए थे, इस लेवल पर नहीं खरीद पाए थे, अब हमें यहाँ पर खरीदने का मौका मिलेगा, हम नीचे खरीदने का मौका मिलेगा, और एक बार हम जब नीचे खरीदेंगे तो ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, फिर उसके बाद अगर गिरेगी भी तब भी पॉजिटिव में रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर इन जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदा होगा ना, वो आज भी प्रॉफिट में होंगे, जिन लोगों ने यहाँ खरीदा होगा वो अब भी, जिन्होंने यहाँ खरीदा होगा वो भी प्रॉफिट में होंगे, बट जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा वो लॉस में होंगे, और वो डर रहे होंगे कि हाँ मार्केट अब हमें लॉस दे रही है, बट और जिन्होंने यहाँ पर भी खरीदा है, मैं उनसे सिंपल कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50, यहाँ पर जो 2008 का लेवल था ना, यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट क्रैश हुआ था, ओके, फाइनेंशियल क्रैश हुआ था अच्छा खासा, कितना परसेंट अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 50% के लगभग यहाँ पर क्रैश हुआ था, बट 50% क्रैश होने के बाद अगर बात करें पिछले 10 साल में, तो 10 साल में मार्केट 300% भागा था, 300% निफ्टी ने रिटर्न दिए थे, तो 10 साल में 300% रिटर्न बहुत मायने रखते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी कितना क्रैश हुआ है, तो यहाँ पर भी मार्केट अच्छा खासा 50% के लगभग ही क्रैश हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल पर अगर हम आते हैं, तो इस लेवल पर आने के बाद भी मार्केट कितना 57-60% के आसपास भाग चुका है, तो मार्केट नीचे नहीं रहने वाला है। अगर आज की कल की डेट में ये अप्रैल में यहाँ पर भी आ जाता है ना मार्केट, दोबारा इस लेवल पर आ जाता है, तो ये इतनी क्षमता रखता है, इतनी कैपेसिटी रखता है कि ये दोबारा उसी लेवल पर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से गिरता है ना, उसी हिसाब से देखिए भागना भी जानता है, और उससे जितनी जल्दी गिरता है उससे तेज भाग के आपको रिकवर करता हुआ मिलेगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जो भी इन्वेस्टर है उन्हें अभी पेन हो रहा होगा, वो डर रहे होंगे कि इस शेयर से निकल जाए, उस शेयर से निकल जाए, बेकार शेयर है बेच दीजिए, मगर अगर अच्छे शेयर है आपके पास तो उसे चूज़ कर लीजिए, और अगर पैसे है तो डालिए, नहीं है पैसे तो वेट करिए, सिंपल, पैसे नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, वेट करिए, ये दोबारा रिकवर होगा, और जब रिकवर होगा आपको आपका आपका पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन में आ जाएगा। एज वेल एज अगर पैसे है, अगर पैसे, अरे लोन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मार्केट में कभी लोन लेके काम मत करना, ओके, तो वरना क्योंकि आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। अगर पैसे हैं, घर में कहीं पैसे हैं, तो सिंपल थोड़ा थोड़ा बाय ऑन डिप्स करके अच्छे अच्छे शेयर जो मैं आपको बताता रहता हूँ, मैंने अभी तक आपको बताया है, बाय ऑन डिप्स करिए, मल्टी बैगर रिटर्न्स फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, और आपका जो पोर्टफोलियो है ग्रीन में रहने वाला है आने वाले 5-10 साल में। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट बाय ऑन डिप्स, ओके, जस्ट एन्जॉय द रैली, एन्जॉय द डिप्स, ओके, हर चीज़ को एन्जॉय करो, क्योंकि मार्केट में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान वो होंगे जो ट्रेडर जो सुबह उठ रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने लॉन्ग किया होगा वो शॉर्ट हो गए हैं, ओके, जो कल की डेट में शायद शॉर्ट करेंगे और कल मार्केट भाग गया तो फिर वो फिर लॉस करेंगे, उनके लिए डरने की ज़रूरत है, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने यहाँ पर ख़रीदा है वो भी मत डरो, जो यहाँ पर ख़रीदेंगे वो भी मत डरो, और जो यहाँ पर अगर मार्केट आ गया तो भी मत डरो, बस खरीदते रहो और फिर ऊपर मार्केट को जाना ही है, जहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से रैली है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यही मेरा बताने का मकसद था, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं तो हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वॉरेन बफे साहब भी यही कहते हैं। पोर्टफोलियो 50% अगर देखने की इच्छा ना हो ना तो फिर कोई परेशानी नहीं है, 50% फिर मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है। अगर 50% पोर्टफोलियो को नेगेटिव देख सकते हो तो आपका पोर्टफोलियो 100% आने वाले टाइम में होगा, सिंपल रूल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, बाकी कोई भी पोजिशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, और जो अच्छे अच्छे शेयर है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन दो वीडियो को देखो, और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं उन्हें देखो, सारे बेहतरीन शेयर बंद बताए जिनने 50% 100% के रिटर्न कमाए और जो आगे भी कमाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, ताकि हमारी एक फैमिली बने, और फैमिली बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है हम आगे चल के ग्रो कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।